नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीए लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। स्टार्टिंग के जो दो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो ट्रेंड्स के बारे में रहने वाला है। आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं पहले एक बार वो देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम तीन पॉइंट कवर करने वाले हैं। वो तीन पॉइंट क्या रहने वाले हैं? पहला जो पॉइंट रहने वाला है, ट्रेंड क्या है, कितने तरह के होते हैं। दूसरा जो पॉइंट रहने वाला है, ट्रेंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो कवर करने वाले हैं। तीसरा जो टॉपिक रहने वाला है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के डिफरेंट तरह के जो मेथड हैं वो क्या क्या मेथड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड हमें क्या बताता है? ट्रेंड हमें बताता है किसी भी स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की प्राइस की डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब ये ट्रेंड तीन तरह के होते हैं। पहला जो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा साइडवेज। अब इन ट्रेंड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होते हैं। आपको पता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो सीधा ऊपर नहीं जाता है, अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो सीधा नीचे नहीं गिरता है, वो एक पैटर्न में गिरता है। अब वो किस पैटर्न में गिरता है वो एक बार देख लेते हैं। पहले आप ट्रेंड से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि स्टॉक हमारा यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे एक हाई बनाया, ऊपर गया और यहाँ से हाई बनाया। अब ये जो ऊपर गया है और इस वेव को हम क्या बोलेंगे? इस वेव को बोलेंगे हम इम्पल्सिव वेव। इस वेव को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव वेव। यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया और यहाँ से रिटेस्ट लिया, हल्का सा डाउन आया और एक लो बनाया। अब ये जो डाउन आया है, ये हल्का सा रिटेस्ट लिया है, इस वेव को हम क्या बोलेंगे? इस वेव को हम बोलेंगे करेक्टिव वेव। इस वेव को हम बोलेंगे करेक्टिव वेव। तो अप ट्रेंड में जो इम्पल्सिव वेव होती है, जो ऊपर जाती है वो वेव इम्पल्सिव वेव होती है, और जो हल्का सा रिटेस्ट लेती है उसको हम करेक्टिव वेव बोलते हैं। तो पैटर्न क्या बना रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इम्पल्सिव वेव से एक हाई बना रहा है, फिर करेक्टिव वेव से एक लो बना रहा है, वापस इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखता है, फिर एक हाई बनाता है इम्पल्सिव वेव से, करेक्टिव वेव से फिर एक लो बनाता है। अब यहाँ पे अप ट्रेंड में क्या करता है? हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन होता है। हायर हाई और हायर लो क्या होता है? अब यहाँ से जो हाई बनाया है ये एक पहला हाई है और ये एक दूसरा हाई है। इससे पहले भी एक ये हाई बनाया था, पहला हाई ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीन हाई हो गए। तो पहले हाई से ज़्यादा है दूसरा हाई, दूसरे हाई से ज़्यादा है तीसरा हाई, मतलब इसको बोलेंगे हम हायर हाई। ठीक इसी तरह यहाँ पे एक लो बनाया, दूसरा लो यहाँ पे बनाया और तीसरा लो यहाँ पे बनाया, और पहले लो से ऊपर में है दूसरा लो, दूसरे लो से ऊपर में है तीसरा लो, तो ये हायर लो फॉर्मेशन हो गया। तो अगर कोई स्टॉक हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर जाता है तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड में क्या होता है? डाउन ट्रेंड में ठीक इसका उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? कोई स्टॉक हमारा नीचे गिरता है तो वो एक पैटर्न में गिरता है, सीधा नहीं गिरता है, क्या पैटर्न बनाता हुआ गिरता है तो हम उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से स्टॉक हमारा डाउन आया और एक लो बनाया, अब यहाँ से जो डाउन आया है इस वेव को हम बोलेंगे इम्पल्सिव वेव। इस वेव को हम बोलेंगे इम्पल्सिव वेव, जो रेड कलर में आपको दिख रही है वो इम्पल्सिव वेव, और अप ट्रेंड में जो हमारी ग्रीन कलर की थी वो थी इम्पल्सिव वेव, डाउन ट्रेंड में जो रेड कलर की है वो होगी हमारी इम्पल्सिव वेव, और ये जो हल्का सा ऊपर में गया है रिटेस्ट के लिए इसको हम बोलेंगे करेक्टिव वेव। डाउन ट्रेंड में ये होगी हमारी करेक्टिव वेव। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या पैटर्न बना रहा है। ठीक यहाँ अप ट्रेंड का उल्टा बना रहा है, यहाँ पे जो इम्पल्सिव वेव एक लो बनाती है, फिर करेक्टिव वेव एक हाई बनाती है, इम्पल्सिव वेव अगेन एक लो बनाती है, फिर करेक्टिव वेव अगेन एक हाई बनाती है। तो यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। लोअर हाई लोअर लो कैसे? यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पहला हाई है उस हाई से नीचे में बना है दूसरा हाई, दूसरे हाई से नीचे में बना है तीसरा हाई, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई फॉर्मेशन। ठीक इसी तरह पहला जो लो है उससे नीचे में बना है दूसरा लो, दूसरे लो से नीचे बना है तीसरा लो, इसको हम बोलेंगे लोअर लो फॉर्मेशन। तो अगर कोई स्टॉक लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न बनाता हुआ अगर नीचे गिरता है तो उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो इम्पल्सिव वेव होती है चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे वो डाउन ट्रेंड में, उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू करेक्टिव वेव। ठीक अप ट्रेंड में क्या है, जो यहाँ पे इम्पल्सिव वेव की हाइट जो है वो ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू करेक्टिव वेव। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा जो ट्रेंड है वो है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है? साइडवेज ट्रेंड में कोई भी स्टॉक हमारा एक रेंज में हाई और लो बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रेंज में हाई बनाया और ये लो है एक रेंज में बनाया,
तो अगर कोई स्टॉक एक रेंज में हाई और लो बना रहा है तो उसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ये ट्रेंड आपने एक बार देख लिया इस ड्राइंग से, इसको एक बार आप रियल चार्ट में देखोगे तब थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो एक बार चार्ट में देख लेते हैं कैसे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक स्टॉक है हमारा, मदर सन सुमी का चार्ट है, आप इसमें देख रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये पता चल रहा है आपको कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। बट जो आपने अभी इसमें कोई फ्रेमवर्क नहीं किया है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे जो वो पैटर्न्स बना रहा है वो कैसे बना रहा है। अगर इसी को अगर फ्रेमवर्क करके देखें इसी सेम चार्ट को, तो ये कैसा दिखेगा वो एक बार देख लेते हैं। इसी चार्ट को अगर फ्रेमवर्क करके देखोगे तो यहाँ से आप देखो कि स्टार्टिंग से ये यहां पे देखो, यहां से एक स्टॉक उठा, फिर यहां पे यहां से स्टॉक ने उठना चालू किया, फिर एक यहां पे लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई लो बनाता हुआ, हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ स्टॉक हमारा ऊपर में जा रहा है। तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है। और यहां पे अब देखो मार्क करके देख रखा है, यहां पे हायर लो बनाया, यहां पे हायर लो बनाया, यहां पे हायर लो बनाया, यहां पे हायर लो बनाता हुआ। ऊपर में भी आप देख सकते हो कि हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है। तो आपको ऐसा फ्रेमवर्क करना पड़ेगा कोई भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने से, चार्ट खोलते हो तो पहले ऐसा फ्रेमवर्क करोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। अब यहां पे आप एक चीज देखो, नोटिस करो, यहां पे जैसे यहां पे एक हायर हाई बनाया, ठीक यहां पे एक हाई बनाया, तो ये हायर हाई नहीं बनाया, एक रेंज में बनाया, डबल टॉप बनाया, ठीक है। बट यहां पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे अगर यहाँ पे जो लो बनाया है उसके ऊपर में दूसरा लो बनाया है, नेक्स्ट जो लो है उसके ऊपर में बनाया, अगर नेक्स्ट लो इसके नीचे बनाता, फिर नेक्स्ट हाई नीचे में बनाता, लोअर लो लोअर हाई बनाता, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता था। बट यहाँ पे जो लो हायर लो बनाया, फिर जो ट्रेंड को कंटिन्यू रखा हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन पे, तो ऐसा अगर फ्रेमवर्क करोगे आपका तो आधा काम ट्रेडिंग का आपका हो जाएगा। अब ठीक इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी आपको फ्रेमवर्क करना है, कैसे करना है वो एक बार देख लेते हैं। सेम स्टॉक है मदर सन सुमी का, डाउन ट्रेंड में कैसा चार्ट बन रहा है यहाँ पे एक बार डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं। डाउन ट्रेंड में देखो क्या कर रहा है स्टॉक हमारा, यहाँ से यहाँ पे आप देखो ये एक हाई है, ये हाई है जो उससे नीचे है, तीसरा जो हाई है वो उससे नीचे है, चौथा हाई उससे नीचे है, लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक इसी तरह लोअर लो फॉर्मेशन बनाता हुआ स्टॉक हमारा नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे ठीक सेम वैसा ही केस है, यहाँ पे जो लो बनाया है इसी रेंज में ये लो बनाए हैं, इसी रेंज में ये लो बनाए हैं, लोअर लो यहाँ पे नहीं बनाए हैं। बट ये जो हाई बनाए हैं ये भी हमारे जो पिछले जो हाई हैं उनसे नीचे को बनाए हैं, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करता हुआ वो जो हमारा पैटर्न को सेम रखा, लोअर लो और लोअर हाई पैटर्न को सेम रखा, और यहाँ से स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में ही रहा। तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड अगर आप ऐसे फ्रेमवर्क करोगे तो आपको आधी पिक्चर क्लियर हो जाएगी स्टॉक क्या कर रहा है, आगे क्या करने वाला है। अब साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में एक रेंज में स्टॉक हाई और लो बनाता है, ये सेम मदर सन सुमी का ही चार्ट है, तीनों जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपने देखे मदर सन सुमी के चार्ट के थे। अब यहाँ पे जो हाई बना रहा है, जो हाईलाइट करके रखा है आप देख सकते हो, वहाँ पे एक रेंज में हाई और लो बना रहा है, किस रेंज में बना रहा है आप देख रहे हो, ये हाईलाइट करके रखा है, यहाँ पे इस रेंज में हाई और लो पैटर्न बना रहा है। तो ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये जो ट्रेंड है हमारे, इसके बाद ट्रेंड की कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। पहला क्या रहेगा, ट्रेड इन ट्रेंड डायरेक्शन, दूसरा ट्रेंड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, ये दोनों टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड इन ट्रेंड डायरेक्शन। आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, मतलब अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आपको बाइंग ही करना चाहिए, बाइंग की ट्रेड लेनी चाहिए, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपको स्टॉक को शॉर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं वो एक बार देख लेते हैं। ट्रेड वर्क फास्ट, अगर आप ट्रेड की डायरेक्शन में ट्रेड करोगे, ट्रेंड की डायरेक्शन में, तो आपके जो टारगेट हैं वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। दूसरा, ट्रेड इजियर इमोशनली, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ट्रेड लोगे ट्रेंड की डायरेक्शन में, आपके टारगेट जल्दी आएंगे और आपकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। कैसे, अगर मान लो आपने ट्रेड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लिया,
आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लिया और आपके टारगेट आने में टाइम लगा, आपने इंट्राडे ट्रेड लिया और आपको स्टॉक को पूरा दिन के लिए होल्ड करना पड़े, तो आपकी जो साइकोलॉजी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप या तो टारगेट से पहले उसको एग्जिट कर दोगे या एसएल से पहले छोटा सा एसएल लेके एग्जिट कर दोगे। अगर आपके टारगेट जल्दी आएंगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तीसरा, आपकी जो विनिंग की जो ट्रेड है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी विनिंग की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लोगे, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखोगे। तो ये फायदे हैं ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेने के। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एक बार देख लेते हैं, ट्रेंड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब है? ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये चार्ट हमारा टीसीएस का है। इसमें आपको क्या दिख रहा है एक बार देख लो, यहाँ पे जो स्टॉक है हमारा गिर रहा है, यहाँ से आप अगर इसको देखोगे यहाँ से स्टॉक ने क्या फॉर्मेशन बनाया है, लोअर लो और लोअर हाई फॉर्मेशन बनाता हुआ स्टॉक हमारा गिर ही रहा है। यहाँ से हमारा स्टॉक की क्या दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। बट डाउन ट्रेंड में ये क्या बना रहा है, ये आपको बताया था कि इम्पल्सिव, ये एक हमारी करेक्टिव वेव होगी, फिर एक इम्पल्सिव वेव बनाता है, फिर एक करेक्टिव वेव बनाता है, ऐसे बनाता हुआ स्टॉक हमारा डाउन ट्रेंड में गिरता है। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो रेंज मैंने बना के रखी है यहाँ पे क्या किया था स्टॉक ने, यहाँ पे ये एक करेक्टिव वेव थी तो स्टॉक में जो ट्रेंड है वो तो डाउन ट्रेंड ही है, बट यहाँ पे एक करेक्टिव वेव थी, करेक्टिव वेव ने थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव दिया। बट ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड है, बट अगर इसी रीजन को आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, जो मार्क करके रखा है इस रीजन को आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो वहाँ पे आपको ट्रेंड अप ट्रेंड दिखेगा, वहाँ पे डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा, वहाँ पे अप ट्रेंड दिखेगा। अब ये जो डेली टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है ये हमारा मेजर ट्रेंड हो गया, ये हमारा मेजर ट्रेंड हो गया, और जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप अप ट्रेंड देखोगे उसको हम माइक्रो ट्रेंड बोलेंगे। अब ये जो माइक्रो ट्रेंड होते हैं और जो मेजर ट्रेंड होते हैं, अगर इनकी डायरेक्शन सेम हो तो आपकी और भी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी विनिंग की। कैसे? अगर ये जो डेली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है और आपका माइक्रो यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में है, दोनों अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, अगर आप ऐसे सिचुएशन में शॉर्ट की पोजिशन लोगे तो आपकी विनिंग की चांसेस बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब इस रीजन को हम एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हमें कैसा दिखता है। इस रीजन को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको अप ट्रेंड दिखेगा। आप यहाँ पे देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे जो हमारी जो रेंज थी वो यहाँ तक 27 जून तक थी, तो अब ये देखो 17 जून से 27 जून की वो सेम रेंज है, बट ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन बना रहा है, यहाँ पे आप अगर स्टॉक को देखोगे तो हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ से स्टॉक ने एक हाई बनाया, इसको एक बार यहाँ से देखो, यहाँ से स्टॉक ने एक बार हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, हायर हाई हायर लो, फिर ऐसे बनाता हुआ स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो 5 मिनट में अगर देखोगे तो स्टॉक हमारा क्या है, अप ट्रेंड में है। अब अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले रहे हो और आप ट्रेंड देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम का, तो ऐसा गलत होगा। ट्रेंड आपको किस में देखना है, जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो। बट मेजर जो मैंने बताया, मेजर जो ट्रेंड है वो अगर आपके माइक्रो ट्रेंड के डायरेक्शन में सेम रहेगा तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा मेजर ट्रेंड था क्या था, वो डाउन ट्रेंड था, बट ये माइक्रो ट्रेंड क्या है, माइक्रो ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अगर ये ट्रेंड भी डाउन होता तो फिर हमें यहाँ पे शॉर्ट करने में जो ट्रेड देते उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती। तो टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम फ्रेम का ही आपको ट्रेंड देखना है, और जो दूसरा जो आपका मेजर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो भी आपको देखना है। बट दोनों की अगर डायरेक्शन होगी सेम तो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के 3 मेथड है। पहला, प्राइस से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, आप ट्रेंड लाइन से ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन कर पा सकते हो। तीसरा, डिफरेंट तरह के इंडिकेटर्स आते हैं उनसे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं
प्राइस से कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पता है अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हायर हाई और हायर लो बनाता है तो अप ट्रेंड, लोअर लो और लोअर हाई बनाता है तो डाउन ट्रेंड, उसको हम बोलते हैं प्राइस से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है स्टॉक हमारा, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है और ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है। बट यहाँ पे क्या किया आप ऊपर में देखो, ट्रेंड चेंज कैसे किया स्टॉक ने, यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है, ये दूसरा हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, ये एक लो बनाया और इस लो से ये नीचे, लोअर हाई और लोअर लो बनाया और उसके बाद ये इसको भी ब्रेक कर दिया और यहाँ से हमारा क्या है ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आपने देखा कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है कि हमारा जो फॉर्मेशन था हायर हाई और हायर लो को, उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से जो लोअर हाई और लोअर लो का जो यहाँ पे चालू किया, और उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक में हमें डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो बाकी के जो दो मेथड है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के क्या थे, दूसरा था ट्रेंड लाइन से आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो और तीसरा इंडिकेटर से, उनके लिए एक बार चार्ट पे चलते हैं, उनको चार्ट पे देखते हैं। दूसरा हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मेथड था ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन से हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मदर सन सुमी का चार्ट है, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में क्या करना होता है, अप ट्रेंड में हमें जो स्विंग के लो हैं उनको टच करके एक ट्रेंड लाइन बनानी होती है। जैसे यहाँ पे एक स्विंग लो था, दूसरा स्विंग लो यहाँ पे था, तीसरा यह यहाँ पे टच हुआ, तो ये स्विंग लो को हमें टच करके ट्रेंड लाइन बनाना होता है। ठीक इसी तरह यहाँ पे हमने स्विंग लो को यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना होता है। अप ट्रेंड में हमें स्विंग के डाउन को कनेक्ट करना होता है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि अगर अब हमारा स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसमें बाय करने की सही पोजीशन कहाँ मिल सकती है आपको, बाय करने की सही पोजीशन मिल सकती है आपको रीटेस्ट पे। तो वो कैसे मिलेगी, वो मिलेगी आप जब स्विंग लो को कनेक्ट करोगे ट्रेंड लाइन से, कैसे वो एक बार आप देख लेते हो, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, दूसरा स्विंग लो यहाँ पे बनाया, बट ये क्या है मेजर ट्रेंड लाइन हो गई, बट ये कोर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई, दूसरा यहाँ पे एक आपको यहाँ पे रिटेस्ट पे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तीसरी रिटेस्ट पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, और यहाँ पे आप बहुत सारी ब्रेकआउट ट्रेड भी ले सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो अब जब ये मेजर ट्रेंड लाइन का डाउन ब्रेक डाउन दे देगा तो फिर वहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे जो इस मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे एक ये जो हाई बनाया, एक ये लो बनाया, ये जो हाई बनाया है ये हमारा लोअर हाई हो गया और दूसरा ये हमारा लोअर लो हो गया, और यहाँ पे मेजर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे रहा है। और डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड में आपको लो को नहीं मिलाना है, हाई को मिलाना है। तो डाउन ट्रेंड में आपका जो शॉर्ट का सही पोजीशन क्या हो सकती है, शॉर्ट के लिए सही पोजीशन हो सकती है एक रिटेस्ट पे, रिटेस्ट पे एक शॉर्ट पे लिए सही पोजीशन हो सकती है। तो अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हमने हाई को मिलाया और ट्रेड कैसे बन सकती है, जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड बन रही है, यहाँ पे माइनर सी ट्रेंड लाइन बनाई, इसका ब्रेकडाउन दिया, या फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से एक ट्रेड बन सकती थी, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन ट्रेड बन रही है, ठीक है, ऐसे ब्रेकडाउन ट्रेड बन रही है या फिर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है तो ऐसे ट्रेड बन सकती है। तो अप ट्रेंड में आपको स्विंग लो को मिलाना है और डाउन ट्रेंड में आपको स्विंग हाई को मिला के ट्रेंड लाइन बनानी है, और जो मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो वहां से आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा। नेक्स्ट जो हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेथड था वो था इंडिकेटर से, इंडिकेटर से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स तरह तरह के इंडिकेटर्स यूज करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट हम यहाँ पे मूविंग एवरेज को डिस्कस करेंगे, मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको चार्ट लगा लेना है, ये जैसे हमारा विप्रो का चार्ट है, आप इसमें देख सकते हो कि हमने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं, एक आपको ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, एक रेड कलर में दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको मूविंग एवरेज कैसे लगाना है। ये दोनों जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, ये दोनों आप यहां पे देख रहे हो 50 टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज हैं, बट ये दोनों अलग-अलग क्यों दिख रहे हैं, क्या सेटिंग है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मूविंग एवरेज कैसे लगाना है, आपको इंडिकेटर में जाना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्टार्टिंग में ही आ जाएगा, आपको यहाँ पे दो बार क्लिक करना है, दो बार अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके दो इंडिकेटर्स आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे एक सेटिंग करनी है, क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पे सेटिंग करनी है आपको, पहले आप कलर दोनों का अलग अलग रख सकते हो, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इनपुट में आपको क्या डालना है, यहाँ पे लेंथ में दोनों में 50 रहेगा, बट यहाँ पे सोर्स में एक में
आपको हाई रखना है और दूसरे में आपको लो रखना है। तो दोनों में आपको ये सेटिंग रखनी है। अगर आप दोनों में ये सेटिंग रखोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो अब आपको इसमें कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, इसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, देखो इसमें ट्रेंड को जो आपको आइडेंटिफाई करना है कैसे करना है। इसमें जैसे ये हमारा EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, यहाँ पे EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करके वापस से यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जब भी ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा और वापस दोबारा आके वहाँ पे सपोर्ट लेगा तो वहाँ से हमें क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, वहाँ से हम अप ट्रेंड मानेंगे उसको हम। तो यहाँ से हमारा क्रॉस ऊपर की तरफ किया और वापस में रिटेस्ट के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया तो इसको हम यहाँ से अप ट्रेंड मानेंगे और यहाँ पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। फिर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी दूसरा टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पे ब्रेकडाउन देके यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट आपका कब होगा, जब उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देके और यहाँ से रेजिस्टेंस ले, तब यहाँ पे हमें मानना है कि हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर एक बार ब्रेकडाउन देके वापस ऊपर चला जाए तो हम नहीं मानेंगे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ब्रेकडाउन देके रेजिस्टेंस लेना चाहिए तब हम मानेंगे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तब हमें क्या देखना है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अप ट्रेंड में क्या है, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ से वापस से सपोर्ट ले दोबारा रिटेस्ट के बाद, तब हम मानेंगे कि यहाँ से अप ट्रेंड चालू है और हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। साइडवेज में क्या है, साइडवेज में जब कोई भी स्टॉक इसके बार बार इसको ऊपर नीचे क्रॉस करता रहे तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से हमारा साइडवेज ट्रेंड है। तो आज का जो तीनों टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड लो, कम से कम वो इतना जो फ्रेमवर्क है आपको करना होगा। अगर आप इतना फ्रेमवर्क कर लोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।